और लास्ट पॉइंट हमारा, और वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली मेंबर्स जो घर है अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा है, उन सबसे मोहब्बत करना। हाँ, हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइव्स है वो हमारी कौन है, माएँ हैं। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियाँ हमारी माएँ हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइव्स हैं वो हमारी कौन है, माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन है वो। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 6। और सहाबा के तरीके के बारे में कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेहतरीन जमाना मेरा, थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने उनका साथ दिया, किसी ने उन पर ईमान नहीं लाया था, उन्होंने उन पर ईमान लाया, उनका साथ दिया, उस वक्त पर मदद की जिस वक्त पर लोग नहीं थे ईमान वाले। हाँ, तो हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स उनके अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाजे। एक बार दोहराएंगे और हमारी एपिसोड खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला पॉइंट ईमान, नंबर दो मोहब्बत करना, नंबर तीन बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ये मानना, नंबर चार उनकी फरमाबरदारी करना यानी इताअत करना, नंबर पांच उनकी इत्तेबा करना यानी पैरवी करना, पैरवी करना, नंबर छह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और उनके सहाबा से मोहब्बत करना, से मोहब्बत करना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस पर पूरी तरह से ईमान लाने और उसके तकाजे को, उसके डिमांड को, उसके रिक्वायरमेंट को, उसकी कंडीशंस को पूरा करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, ताकि कयामत के दिन हम मुलाकात करें उनसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। बच्चों, लास्ट में मैं आपको एक खुशखबरी देकर ख़त्म करता हूँ कि आप जिनसे मोहब्बत करते हो ना, कयामत के दिन उनके साथ होंगे। अगर आप गलत लोगों से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन उनके साथ रहना पड़ेगा, और अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन उनका साथ मिलेगा इंशाअल्लाह, आपको मिलने मिलेगा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुलाकात हौज़ कौसर पर जाम कौसर उनके हाथ से मिले, ये मुबारक मुलाकात अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक दे और सही रास्ते पर ज़िंदगी भर रहने की तौफीक दे। इसी दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।